स्टूडेंट्स, नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन की जो व्याकुलताएं जो है अभी उजागर हो रही थी, अब मुझे लगता है व्याकुलता थोड़ी सी शांत हो जाएगी, क्योंकि एनटीए ने जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया है एग्जामिनेशन का, और अकॉर्डिंगली जो है कुछ स्टार्टिंग के जो पेपर्स होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड भी जो है उन्होंने अपने साइट पे जो है अपलोड कर दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो लोग अभी भी दुविधा में हैं, जैसे अभी कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, कई ग्रुप्स में भी कई स्टूडेंट्स परेशान हैं, मैं सोशल साइट्स पे भी देख रही थी कि कहाँ पे ये किस तरीके से हमें एडमिट कार्ड दिखेगा और कैसे शेड्यूल जो है वो प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सिंपली एनटीए की साइट पे जाएं, nta.ac.in, आप इस साइट को ओपन करें। इस साइट को ओपन करते साथ ही देखें, यहाँ पे हमेशा जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके कोर्स से रिलेटेड लेनी है, आपके एग्जाम से रिलेटेड लेनी है, आप हमेशा स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है स्टूडेंट कॉर्नर पे कि आपको किसके हिसाब से सर्च करना है। तो हम लोग जो है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जो है अभी जानकारी लेना चाहते हैं, और हम यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, देखिए आप यूजीसी से रिलेटेड जो है सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे ये जो है करेंट इवेंट का जो है एक आइकॉन, एक जो है वो विंडो बॉक्स सा बना हुआ है, इसके अंदर आप ये वाली न्यूज़ जो है वो देखें। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द यूजीसी नेट जून 2020 विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, एडमिट कार्ड्स फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 24th सितंबर एंड 25th सितंबर हैव बीन डिस्प्लेड, यानी कि 24 और 25 सितंबर को जो एग्जाम्स होने हैं उनके एडमिट कार्ड अभी जो है साइट पे डिस्प्ले होंगे। फॉर अदर सेम शैल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट सून, बाकियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो एनटीए की वेबसाइट पे बहुत ही जल्द जो है वो दिखेंगे, या बहुत जल्द आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो हमारा न्यूज चल रहा है, इस न्यूज से ही हमारा कंसर्न है, हम इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो है हमारे सामने देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई एग्जामिनेशन के शेड्यूल का। मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको सो डैट हम अच्छे तरीके से जो है इसको देख पाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट जून 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग, डेट शीट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, डेट शीट फॉर एग्जामिनेशन द यूजीसी नेट जून 2020 विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल, एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 24th एंड 25th हैव बीन डिस्प्लेड, जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिया था वहां पे। देखिए अभी जो है हम लोग 24 तारीख को कौन कौन से पेपर होने वाले हैं, 24 तारीख को आपके जो एग्जाम्स है बेसिकली दो पारियों में हैं, तो 24 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय में कौन कौन से पेपर्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये आप देख सकते हैं। अडल्ट एजुकेशन चाइनीज, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजियस, डोगरी, जर्मन, गुजराती, इंडियन कल्चर, जापनीज, कन्नड़ा, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, पर्सियन, प्राकृत, राजस्थानी, संस्कृत, देन सिंधी, स्पैनिश एंड ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस लिटरेचर, इनके जो है वो सुबह की पारी में हैं, एंड उसके बाद जो है उसी दिन यानी कि 24 तारीख को शाम की पारी में 3 से 6 के बीच में भी पेपर्स हैं, जिनमें अरब कल्चर, अरबिक, बुद्धिस्ट, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लिंग्विस्टिक, मास कम्युनिकेशन, नेपाली, उड़िया, पाली, तमिल, ठीक है, ये यहीं तक जो है 24 तारीख को यहां तक के एग्जाम्स हैं। देन 25 को कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं ये भी आप देख लें, 25 को सुबह 9 से 12 के बीच में है कंपैरेटिव लिटरेचर, देन क्रिमिनोलॉजी, फोक लिटरेचर, फॉरेंसिक साइंस, फ्रेंच, म्यूजोलॉजी, साइकोलॉजी, टूरिज्म, उसके बाद जो है ये सेकेंड पारी का जो है 3 से 6 के बीच में देखें आर्कियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल, देन उसके बाद नेक्स्ट आप आए अगली डेट को 25 के बाद 29 तारीख को है सुबह 9 बजे की पारी में है लॉ और फिजिकल एजुकेशन का,
और 3 बजे की पारी में है एनवायरमेंटल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट और संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, देन संथाली भी है, विमेन स्टडीज भी है। 30 तारीख को 9 से 12 के बीच में मैनेजमेंट का है, देन 30 तारीख को 3 से 6 के बीच में इकोनॉमिक्स का है। 1 तारीख को आते हैं हम लोग, 1 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर है, ग्रुप ए ग्रुप बी, इसका डिफाइन नहीं किया हुआ है, हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में ये आए। देन 7 तारीख को 9 बजे वाली पारी में सोशियोलॉजी है और 7 को शाम वाले पारी में जो है वो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, देख सकते हैं आप। 9 बजे जो है सोशियोलॉजी है, 3 बजे कंप्यूटर साइंस है। देन 9 तारीख को ही सुबह 9 बजे आपका हिस्ट्री है, सॉरी 9 तारीख को सुबह 9 बजे हिस्ट्री है और 3 बजे पॉलिटिकल साइंस है। 17 तारीख को 9 बजे कॉमर्स है और अगेन दूसरी पारी में भी कॉमर्स है, ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर ये जो है आपका होगा। 21 तारीख की बात करते हैं हम, 21-10 को, तो 21-10 को जो है 9 बजे एजुकेशन है और 3 बजे से जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 21 तारीख को 9 बजे वाले पारी में एजुकेशन का पेपर है और शाम वाले पारी में जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। 22 तारीख की बात करते हैं, 9 बजे वाले में आसमी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, रशियन, तेलुगु, उर्दू है और शाम वाले में बंगाली, बोडो, कश्मीरी, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ का है। देन 23 तारीख को सुबह की पारी और शाम की पारी दोनों में मिला करके जो है ग्रुप ए और बी में हिंदी का पेपर है। उसके बाद 5 नवंबर की बात करते हैं, सुबह 9 बजे वाली पारी में इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, लेबर वेलफेयर है, म्यूजिक है, पॉपुलेशन है, विजुअल आर्ट है और शाम वाली पारी में एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और योगा है। तो ये जो है आपका शेड्यूल है एग्जाम से रिलेटेड जो एनटीए के साइट पे अब आ चुका है। 24 और 25 तारीख को जिन लोगों के विषय का पेपर है वो लोग एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड कर सकते हैं nta.nic.in से, और बाकी रेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 25 के बाद का शेड्यूल हुआ है वो लोग साइट को रेगुलरली विजिट करते रहें, उस साइट पे ही आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों के पेपर के लिए, आप लोग अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए और अपने एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के डे पे जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएं। थैंक यू सो मच।